सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों, क्षत्रिय बाहुल्य मथुरा लोकसभा से भी भानु प्रताप सिंह जी ने बाहरी उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो भाइयों, भानु प्रताप सिंह जो खुद बीजेपी में थे, लेकिन ऐसे कि आपको पता है कि बीजेपी आरएसएस तो क्षत्रिय समाज को टिकट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने एक ही समुदाय जाट समुदाय को टिकट दिया है। बीजेपी और क्षत्रियों की जहाँ पर एक बहुत बड़ी वादी है, लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय हैं और 350 से ज़्यादा गांव क्षत्रियों के हैं। जाटों और क्षत्रियों के वोट लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने जाटों को टिकट दे रखी है। दोनों के वोट बटोएंगे और क्षत्रिय समाज का इतना दिमाग होना चाहिए, ये तो तुम्हारा रास्ता आसान कर रहे हैं। दोनों के वोट आधे हो जाएंगे और क्षत्रिय के वोट उतने ही रहेंगे अगर एकजुट पड़ जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज तो ठहरा अंध वक्त। अगर क्षत्रिय सभी भानु प्रताप सिंह को वोट डाल देते हैं, जो कि क्षत्रिय समाज डालेगा नहीं, और भानु प्रताप सिंह के अपने इतने वोट है कि वो मजे से सीट को निकाल सकते हैं, तो सभी भाइयों से यही चाहेंगे कि उनको सपोर्ट करें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एक क्षत्रिय 10 को अपने साथ खींचने का दम रखता है, अगर वो जोर लगा दोगे तो जहाँ से जीतने की राह आसान हो जाए। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शत।